Hey, what's up, athletes? My name is Amit, and I'm a CrossFit trainer here at Windlass Gym and Spa. So today we'll talk about a paleo diet. Okay, so आज का जो टॉपिक है वो जो हमारा क्वारंटाइन का पीरियड है उसमें काफी हेल्प करेगा हमें उस पर वर्क करने में कि कैसे पीपल्स इसको अपनी इस टाइम पे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं. ओके, सो ये एक अच्छा डाइट प्लान है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल अबाउट इंटरमीडिएट डाइट. सो ओके गाइस, सो विल स्टार्ट. सो माय नेम इज अमित, आई एम अ क्रॉसफिट ट्रेनर एट वेलनेस जिम एंड स्पा. सो टुडे टॉपिक इज इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्ट and what's the meaning of diet? All these words are the different words. So first we'll talk about intermediate. So अगर आप अभी quarantine में अपने घर पर हैं और हम बात करते हैं intermediate diet की, so intermediate means होता है रुक रुक कर fasting मतलब उपवास करना और diet मतलब अपना खान पान. आपको 24 घंटे के अंदर रुक रुक कर अपने खान पान पे कैसे ध्यान देना है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट डाइट. सो वो कैसे वर्क करेगा, कैसे उस पर काम होगा, सो उसके बारे में हम बात करेंगे. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट डाइट मींस रुक रुक कर उपवास करते हुए खाना. दिस इज द प्रॉपर मीन ऑफ इंटरमीडिएट डाइट. ओके, सो इसके चार पांच तरीके होते हैं कि इंटरमीडिएट डाइट को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट इफ आई एम टॉक अबाउट, तो फर्स्ट इज द कि आप 24 आवर्स के अंदर 16 घंटे का फास्ट रखें और 8 घंटे में अपनी डाइट को कंप्लीट करें. इट मींस आपने 24 आवर्स को वन डे को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, 16 आवर्स फास्टिंग, 8 आवर्स डाइट. सेकेंड ऑप्शन इसका क्या आता है कि आप 20 आवर्स फास्टिंग करें और 4 आवर्स में अपनी डाइट कंप्लीट करें. उन डाइट के जो मील्स हैं वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. अगर वो तीन चार हो तो ज्यादा अच्छा है, दो ना हो ठीक है. थर्ड आता है इसका कि आप एक दिन डाइट करें ओके और एक दिन आप फास्ट करें. सो मैनी पीपल्स आर दिस इन दिस सिचुएशन समथिंग फ्रॉम द वेरी हैवी इशू जो मैं. और फोर्थ और हमारा जो लास्ट ऑप्शन आता है उसके अंदर ये होता है कि आप वीक में 2 डेज फास्ट करें. इट मींस आपने 1 वीक का इंटरमीडिएट डाइट करना है, का प्लान है, उसमें आप 5 डे डाइट पे रहेंगे, 2 डेज फास्टिंग पे रहेंगे. इट वो कैसे भी हो सकता है कि आपने मंडे टू फ्राइडे आपने कंटिन्यूस आप डाइट कर रहे हैं, सैटरडे संडे का आपने फास्ट ले लिया. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लेते हैं कि आपने मंडे और ट्यूजडे आपने अपना डाइट प्लान फॉलो किया और वेनेसडे को आपने फास्ट रखा, फिर आपने थर्सडे फ्राइडे किया, सैटरडे किया, देन आपने संडे का फास्ट रखा. तो मैक्सिमम पीपल इसको क्या होता है कि आप वीक में इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको वीक में 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. आपने 2 दिन खाना खाया, 1 दिन का गैप लिया, फिर आपने 2 दिन खाना खाया, फिर आपने 1 दिन का गैप लिया, या फिर आपने 3 दिन खाना खाया, 1 दिन का गैप लिया, फिर आपने 2 दिन खाना खाया, फिर 1 दिन का गैप लिया. सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट डाइट प्लान्स. So, जो एक स्टैंडर्ड जो रेशियो चलता है वो होता है आपका 16 आवर्स फास्टिंग का और 8 आवर्स आपके डाइट का. तो आज हम उस पर बात करेंगे कि कैसे आप उसको इसमें इन्वॉल्व करके उस पर वर्क कर सकते हैं. ओके, सो हम पहले बात करेंगे कि इंटरमीडिएट डाइट का की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसके लॉसेस हैं. ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं हम एडवांटेज के ऊपर. 16 आवर्स अगर मैं एक रेशियो लेता हूं 24 आवर्स का, जिसमें 16 आवर्स आपको फास्टिंग रखनी है और 8 आवर्स आपको अपनी डाइट पे वर्क करना है, तो 16 आवर्स फास्टिंग के अंदर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप वाटर कंज्यूम कर सकते हैं. मतलब वाटर या वाटर में कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे आपको ग्लूकोज ना मिले लेकिन आपके इंसुलिन बनी रहे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपको जो भूख लगने वाली जो बात होती है बॉडी उसको पोस्टपोन करते रहे आपके डाइट के आस आने तक. ओके, सो इट मींस
उस पे आपको वर्क करना है। हो सकता है स्टार्टिंग के 2, 3, 4, 5, 1 वीक के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सके, लेकिन बॉडी एक बार फिर उसको अब्सॉर्ब कर लेती है उस टाइम रूटीन को, तो उसके साथ फिर बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे एडवांटेज होते हैं इंटरमीडिएट डाइट के अंदर, वो आपके होते हैं जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इंसुलिन डिक्रीज होता है तो हमारे फैट बर्न पे काफी इफेक्ट पड़ता है, और हमारी ऑटोफैजी इंक्रीज होती है। ओके, तो जो 16 और 8 आवर्स की जो टाइमिंग है ना, ये एक स्टैंडर्ड ऐसे रखी गई है क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स को ये बहुत ज्यादा सुटेबल लगती है कि वो जैसे हम 24 घंटे लेते हैं तो उसमें 8 घंटे तो हमने जैसे हमारी स्लीपिंग टाइम ही हो गया। अब आपको सिर्फ 8 आवर्स फास्ट रखना है और 8 आवर्स ही आपको डाइट रखनी है। सो जो ये चेन है 16 और 8 आवर्स की, ये बहुत अच्छी चेन है, मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ इन द क्वारंटाइन पीरियड। सो इस पे वर्क बहुत इजीली हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि आप उस पे वर्क कर रहे हैं और उस पे बॉडी अपना रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ओके, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अगर मैं बात करूं नहीं लेना, प्रोटीन इंटेक नहीं करना, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए एक्सेप्टेड वाटर। ओके, वाटर जो है वो हमारा न्यूट्रिएंट के अंदर नहीं आता, वो बॉडी को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। अब वो मैक्सिमम पीपल्स के क्वेश्चन होंगे कि फिर सिर्फ वाटर ही क्यों? देखिए मैं, हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर की बनी हुई है। ओके, हमारा जो बॉडी वेट है उसका 70% पार्ट जो है वो वाटर का है। तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो में, उसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में प्लाज्मा है, उसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, और बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है उसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जो 16 आवर्स का जो हमारा फास्टिंग टाइम पीरियड है, उसके अंदर हम जो हमारी बॉडी उस पर वर्क करेगी, वो क्या करेगी कि आपके जो हमारी एक्चुअली हमारी बॉडी ना बहुत स्मार्ट होती है। वो कैसे वर्क करती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी ने जो अपने पास स्टोरेज के रूप में जो पावर जो एनर्जी बचा के रखी है उसको बॉडी यूज करना शुरू कर देती है उस फास्टिंग टाइम पीरियड के अंदर, जिस टाइम आप कुछ नहीं खा रहे या बॉडी को कुछ दे नहीं रही एनर्जी के रूप में। ओके, वो एनर्जी के रूप में हमारी कार्ब्स भी हो सकती हैं, वो एनर्जी के रूप में हमारे फैट्स भी हो सकते हैं। वो फैट गुड है बैड है दिस इज द डिफरेंट टॉपिक, लेकिन आप उसको दे सकते हैं। जो फैट है वो भी एनर्जी के रूप में ही हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना दे रहे हैं या किस क्वांटिटी में आपकी बॉडी में जा रहा है। ओके, सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे हमें वर्क करना है। सो मैक्सिमम पीपल्स पूछते हैं कि हम क्या करें और कैसे इसको वर्क करें। सो प्लीज जो आपके जो फास्टिंग पीरियड है, और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, आपको अपना वेट कम करना है, तभी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ जाएं। आपको वेट गेन करना है, आपको वेट इंक्रीज करना है, आपको अपना मसल मास बढ़ाना है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग आपके लिए नहीं है। तो इस बात को तो आप बांध लीजिए गांठ कि अगर आप गेनिंग पर हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग आपके लिए नहीं है। हर चीज को स्टार्ट करने में हमारी बॉडी टाइम लेती है, हमारा माइंड टाइम लेता है। ओके, और कैसे उस पे वर्क करना है, कैसे उस पे वर्क नहीं करना, हमारी बॉडी उस पे क्या रिएक्ट करेगी, आपका डेली शेड्यूल क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उस पे उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हर चीज आपके लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है। आप कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, नॉर्मल है, लाइट है, एक्टिव है, वेरी एक्टिव है, हाई है, उस पे सब कुछ डिपेंड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक आईटी सेक्टर में वर्क करते हैं और आपकी जो शिफ्ट की टाइमिंग है वो 9 to 5 है। ओके, देन आप सैटरडे संडे का आप रेस्ट लेते हैं, तो उस पीरियड में आपको कैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं? उस स्टेज पे आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू हो सकती है रात को 8 बजे से लेके रात के 8 से सुबह के 8 तक आपको कुछ नहीं खाना। इट मींस जो आपको अपना लास्ट नाइट का जो डिनर करना है वो बिफोर 8 करना है। गॉट इट? यू गॉट माई पॉइंट? कि आपको जो अपना फास्ट डिनर करना है लास्ट नाइट का, वो आपका 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए,
ताकि बॉडी 8 बजे से मॉर्निंग के 8 बजे तक, वो 12 घंटे का जो सेशन है वो 12 घंटे आवर्स के अंदर आपकी बॉडी फास्ट पर रहे। उसके बाद जो आपकी जो फर्स्ट मील होगी, ओके, आप फिर 8 से 12, पहली जो आपकी नेक्स्ट डे की जो डाइट होगी वो 12 से 2 के बीच में हो सकती है, 12 से 4 के बीच में हो सकती है। ये आपको ऑफिस टाइम पीरियड है। अगर आप 24 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि आपका जो ऑफिस में लंच टाइम होता है 12 से 4 के बीच में कभी भी होता है, मैक्सिमम पीपल्स का 1 to 2 होता है, 2 to 3 है, 3 to 4 है, ओके, सो डिपेंड ऑन योर ऑफिस टाइमिंग्स एंड ऑल। सो आप उस टाइम के अंदर अपनी डाइट कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। सो आपकी आपने 4 घंटे के बीच में आपने वो कवर कर लिया, ओके, यानी कि 12 से रात के 8 तक आपके पास टाइम है खाने का। तो आपने, अगर आप वेट लॉस पर हैं तभी आप इस चीज को फॉलो करें, ओके। तो आपने ऑफिस टाइम के पीरियड, जो आपके 12 से 20 के बाद जब भी आपका ऑफिस में लंच होता है, आपने उस पीरियड के अंदर एक अपने जो डाइट थी वो आपने उसको कंप्लीट करी, ओके। अब आप ऑफिस से घर आ गए, 5 बजे आपके आपके ऑफिस क्लोज हो गया, आपको घर आते आते 6 बज गए, और आपने 6 से 8 के बीच में अपनी सेकेंड मील ऐड कर ली, ओके। हो सकता है कि 12, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 और 2 के बीच में अगर आप अपना लंच कर रहे हैं तो जो आपकी सेकेंड मील होगी वो 4 to 5 के बीच में हो और आपको रखनी पड़ेगी, बिकॉज आप 8 घंटे की डाइटिंग के अंदर आपको अपनी 3 मील डिवाइड करनी है। इसमें आपका ट्रेनर आपकी हेल्प करेगा, आप उसको बताइए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और विद योर आईटी सेक्टर्स, ओके, व्हाट इज योर रूटीन इन 24 आवर्स, एंड ही विल हेल्प यू टू मेक अ डाइट प्लान फॉर इंटरमीडिएट। सो आपने आफ्टरनून में अपने ऑफिस में लंच किया, देन आपने 4 to 5 कुछ खाया और लास्ट आपने 6 to 8 कुछ खाया, फिर रात के 8 से अगले दिन के 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना। इट मींस आपको सिर्फ वाटर इंटेक करना है जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, या फिर कुछ वाटर के अंदर आप कुछ ऐसा मिला सकते हैं जिससे आपकी आपको कार्ब्स ना मिले, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको उसके अंदर लेमन मिला सकते हैं, आप ग्लूकोज आपको उसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब, वो किसी ना किसी तरीके से आपको एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, तो आपको वो नहीं करना, ओके। सो नाउ विल टॉक अबाउट दी डिसएडवांटेज ऑफ इंटरमीडिएट डाइट, ओके। सो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक विदाउट न्यूट्रिएंट से जो होती है वो हेडेक, माइंड में हेडेक शुरू हो जाती है। हमने ये देख लिया इंटरमीडिएट डाइट क्या होती है, हमने ये देख लिया इसके एडवांटेज क्या है, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के ऊपर, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अगर कोई चीज प्लस में है तो माइनस में भी उसका कोई ना कोई फैक्टर जरूर होता है, ओके। सो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। सो जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं 16 आवर्स के लिए, तो बॉडी माइंड हैडक होना जल्दी शुरू हो जाता है, मूड चेंजेस आपके जल्दी होने शुरू हो जाते हैं, ओके। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। सो डिसएडवांटेज ऑफ इंटरमीडिएट डाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारे माइंड हेडेक शुरू हो जाता है, बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इट मींस हो सकता है कि आपका सर दर्द हो, आपकी बॉडी स्टार्टिंग पीरियड में आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, कि बॉडी में ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा सोरनेस आ सकती है बॉडी में, काम करने का मन नहीं कर रहा है। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ इंटरमीडिएट डाइट, ये आपको स्टार्टिंग में होंगे ही होंगे कि मूड चेंज हो सकता है। और जब हम खाना किसी भी चीज को इंटेक करते हैं ना, तो हमारे स्टमक में जाकर के 3 to 4 आवर्स के अंदर डाइजेस्ट होता है, ऑल पीपल नो दिस थिंग वेरी वेल, कि खाना 3 से 4 घंटे के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। सो 3 से 4 घंटे के अंदर वो जो 2 से 2.5 घंटे के पीरियड में वो हमारे स्टमक के अंदर होता है, स्टमक के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए HCL नाम का एक एसिड होता है, ओके। अब ये HCL क्या है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट कि हमारे स्टमक में एक HCL नाम का एक केमिकल होता है जो खाने को डाइजेस्ट कराने में हमारी हेल्प करता है, ओके। जब आप 16 आवर्स के अंदर आप बॉडी को कुछ नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं HCL जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आपके माइंड हेडेक शुरू कर सकता है, ओके। और जो हमारे जितने भी हमारे जूसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं जो खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, जो हमारा गैल ब्लैडर के अंदर, जो हमारा लीवर जो केमिकल रिलीज करता है, हमारे पैनक्रियाज हैं, तो जो
आपको गोल स्टोन होने की प्रॉब्लम हो सकता है कि आप उसको फेस कर सकते हैं। गोल स्टोन क्या होता है? हमारा लीवर जो केमिकल इंक्रीज जो एक जूस बनाता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, जब आपकी बॉडी में खाना नहीं जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में बाकी काम हो रहे हैं, आपके स्टमक के अंदर HCL है, आपके लीवर के अंदर आपके लीवर के अंदर जूस बन रहे हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, और वो गैल ब्लैडर के अंदर, तो आपको गैल ब्लैडर के नाम से गैल स्टोन नाम की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो सकती है आपको, क्योंकि आप 16 आवर्स में नहीं कुछ कुछ भी नहीं खा रहे, कि आपको पूरे दिन में वॉकिंग करने के लिए आप कार्ब सोर्स ले रहे हैं, लेकिन कार्ब सोर्स के अलावा वो जिंदा रहने के हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रो की, तो माइक्रो क्या होता है कि हमारे जितने बॉडी फंक्शनिंग्स हैं, एंटीबॉडीज हैं और हेयर है, हेयर ग्रोथ है, नेल्स हैं, जितनी भी छोटी मोटी इन्फेक्शन से बनने में जो हेल्प होती है वो माइक्रोस माइक्रो हमारे में उसमें वर्क करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा भी होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर वर्क नहीं कर रहे, तो माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी होना एक संभाविक है इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर। ओके, तो इस पोजीशन पे क्या हो सकता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है कि आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाए, आपके नेल्स ग्रोथ रुक जाए, माइंड में हेडेक शुरू हो जाए। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट इंटरमीडिएट फास्टिंग किस पीपल्स के लिए है और किस पीपल के लिए नहीं है। ओके, एचजीएच रिलीज करता है, हमारे इंसुलिन में वर्क करता है, बहुत सारी बातें हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की जिसमें हेल्प होती है जिसमें नहीं होती। सो हम बात करते हैं कि ये डाइट प्लान किस पीपल्स इंडिविजुअल पीपल के लिए है और किस इंडिविजुअल पीपल के लिए नहीं है। देखिए, अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, आपका फॉर एग्जाम्पल कि आपका 60 kg वेट है, ओके, यू आर अ फीमेल, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ फीमेल एंड यू आर अ 60 kg वेट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट परसेंटेज, और आपको अपना वेट 50 kg करना है। ओके, तो आपको अपना वेट 50 kg करना है, तो उसके लिए आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, तब जब आपको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको बीपी की प्रॉब्लम ना हो, आपको थायराइड ना हो, आपको शुगर ना हो, किसी भी तरह की आपको कोई डिसीज ना हो, कोई कैंसर्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उस स्टेज पे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रख सकते हैं। ओके, सो कीप टच विद योर ट्रेनर, आस्क विद योर ट्रेनर, आस्क हिम एंड आस्क टू देम टू मेक अ इंटरमीडिएट डाइट चार्ट फॉर यू एंड ही विल हेल्प यू वेरी वेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट। सो आपको समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट क्या होती है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, आपको अपने डेली शेड्यूल, जैसे अभी क्वारंटाइन पीरियड के अंदर मैक्सिमम लोग घर में हैं, तो आप 16 और 8 अपने 24 आवर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 20 और 4 के बाद पर डिवाइड कर सकते हैं। आपको आपके पास दो ऑप्शन है, इसको रेगुलर बेस पे ही रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, आप इसको ऐसा ना कीजिए कि आपने वन डे आपको डाइट रखनी है और वन डे आपको फास्ट होना है, उसको वर्क नहीं कीजिएगा। ओके, आपको दो ही ऑप्शंस हैं इस क्वारंटाइन पीरियड के अंदर, अगर आपको अपना वेट मेंटेन रखना है तो आप ये दो चीजें कर सकते हैं। आपको अपने 24 आवर्स के डे को टू थिंग्स में डिवाइड करना है। व्हाट इज फर्स्ट? फर्स्ट इज 16 और 8, सेकंड सेकंड इज 20 एंड 4। आपको उसी पे वर्क करना है, कीप टच विद योर ट्रेनर। ओके, और आपकी जो डेफिशिएंसी है, कैलोरीज डेफिशिएंसी, उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक मेरी टीम, वेलनेस की टीम बनाएगी, जिससे आपको हेल्प हो, या हो सकता है हम उसके लिए एक लाइव सेशन और रखें, सो इट हेल्प यू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट डाइट। ओके गाइस, सो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन ऑफ एनी वन टॉपिक। आपका जो टॉपिक है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किस न्यू टॉपिक के ऊपर आने वाली वीडियो चाहिए। सो माय मैनेजमेंट, द वेलनेस जिम मैनेजमेंट विल वर्क ऑन इट एंड ही एक लाइव सेशन फॉर यू। एंड जो आप पढ़ते हैं, जो आप बैलेंस हैं, जो हमारे लाइव सेशन होते हैं, आप अपने उसको स्टेटस पे लगा सकते हैं कि फॉलो द वेलनेस जिम एंड स्पा। ओके, सो जितने भी लाइव सेशन हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं, वो सारे सेशंस फ्री हैं फॉर एवरी पीपल। सो आप उसको अपनी प्रोफाइल में भी शेयर कर सकते हैं। ओके, जितने
जिससे कि आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली मेंबर्स आपके रिलेटिव्स भी उस लाइव सेशन को एंजॉय कर सकें, बिकॉज फिटनेस फॉर ऑल। और आप इसको जितना प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा पीपल्स के लिए। तो एक तरीके से ये भी एक साइकोलॉजिकल हेल्प है टू अदर्स। ओके गाइस, सो गाइस विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन सी यू। जय हिंद।